हेलो सेवेंथ क्लास, आज हमारे इस चैप्टर की वीडियो फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ है, आगे हम पढ़ते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, छह टाइप के सॉइल हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, जिसके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो है हमारा वो क्या है, एलोवियल सॉइल। ठीक है, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर बेड्स ऑफ सिल्ट वॉश डाउन फ्रॉम द माउंटेन। इट इज़ लूमी इन टेक्सचर एंड कंटेन्स प्लेंटी ऑफ ह्यूमस। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टल उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। दिस सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग वीट एंड राइस। ये वो सॉइल होती है जो पानी, जो आपको मालूम है कि जो नदियाँ जो बहकर आती है वो कहाँ से आती है, माउंटेन से बहकर। जब वो माउंटेन से बहकर आती है तो अपने साथ चीज़ों को लेकर आती है। ठीक है, तो वो जो मिट्टी जो लेकर आती है वो होता है हमारा एलोवियल सॉइल। ठीक है, इट इज़ लूमी इन टेक्सचर। मैंने आपको बताया था कि लूमी इन टेक्सचर का मतलब जिसमें तीनों का टेक्सचर मिक्स हो, यानी कि सैंड भी हो, सिल्ट भी हो, क्ले भी हो। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो वो लूमी होता है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हो जाता है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, फसल उगाने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मेनली ये पता है, ये जो आपको पता है एलोवियल सॉइल जो है वो मिट्टी पानी से बहकर आती है, तो ये उसी राज्य में होगी जहाँ से कोई ना कोई नदियाँ बह रही हों या निकल रही हों। ठीक है, आती हों, तो जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारी ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे नदियाँ हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर इस एलोवियल सॉइल में कौन से जो ग्रेन होते हैं वो कौन से उगते हैं, जो वीट और राइस। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वीट और राइस। अगला, रेड सॉइल। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट। पहले आपको बताइए रेड सॉइल क्यों है। ठीक है, रेड सॉइल इसलिए है किसके कारण, मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है, इसीलिए मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है, इसी वजह से इसका कलर क्या है, रेड। दैट टॉप सॉइल कंटेन क्वार्ट्ज एंड क्ले पार्टिकल इन एडिशन टू आयरन ऑक्साइड। इसी के साथ क्ले और साथ में क्वार्ट्ज भी मिक्स होता है इस आयरन ऑक्साइड में, और फिर इसका कलर इस वजह से क्या बन जाता है, रेड। जनरली इट इज़ लेस फर्टाइल एंड इट इज़ डिफिशियंट इन ह्यूमस। जनरली क्या है, ये एलोवियल सॉइल से कम फर्टाइल है। ठीक है, और पर इसमें ह्यूमस का जो कंटेंट है वो भी कम ही होगा। ठीक है, एलोवियल सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है, इसमें एलोवियल सॉइल के अकॉर्डिंग रेड सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट क्या है, कम होगा। आगे, अब इसमें कौन कौन से फूड जो क्रॉप्स हैं वो उगा सकते हैं, जैसे मीज हो गया, मिलेट हो गया, ये सारे उगाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइज़र आपको मालूम होगा, ठीक है, खाद और उर्वरक वगैरह होता है। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि डिफरेंस क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा तो शायद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस होगा। तो इसमें ज़्यादा लेस फर्टाइल होता है, इसीलिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ जाता है इस मिट्टी में, अगर हमें फसल उगानी है तो। ठीक है, ब्लैक सॉइल। इट इज़ फॉरेस्ट एंड रिच इन मिनरल एंड ह्यूमस। फॉरेस्ट मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक मिट्टी को, वो पानी को होल्ड कर सके जो मिट्टी, ठीक है, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, एंड रिच मिनरल एंड ह्यूमस। तो ब्लैक सॉइल में भी मिनरल और ह्यूमस रिच होता है। ठीक है, मिनरल्स और ह्यूमस वगैरह क्यों होता है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, इस वजह से हो जाता है। दिस सॉइल इज़ रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एज इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसाल्टिक रॉक। इट इज़ क्ले इन नेचर एंड इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, कहाँ से, बेसाल्टिक रॉक से निकलता है ये। ठीक है, और साथ में ये क्या होता है, किसके लिए सुटेबल है, ब्लैक सॉइल कॉटन एंड शुगर केन। सबसे बहुत ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल किसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या उगाया जा सकता है, कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, कॉटन जिससे कपड़ा बनता है उसका जो प्लांट होता है वो उगाया जाता है इन इंडिया। इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेगर। ठीक है, इसको रेगर भी बोलते हैं, इस मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को। ठीक है, तो हमने ब्लैक सॉइल पढ़ लिया, रेड सॉइल पढ़ लिया और एलोवियल सॉइल पढ़ लिया। इसके बाद माउंटेन सॉइल। माउंटेन मतलब आपको मालूम है पहाड़। ठीक है, द सॉइल इन माउंटेन वेरीज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड क्या, ऊंचाई। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी पहाड़ों की, उसमें मिट्टी का जो टाइप है वो, सॉइल का जो टाइप है वो बदलता रहेगा। ठीक है,
इट हैज़ द हाइएस्ट ह्यूमस कंटेन एंड इट इज़ हाईली फर्टाइल. इट इज़ फाउंड इन हिमालयस रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, आपको मालूम है अगर आप मैप में देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो का जो पार्ट है, यानी कि मैप के जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो सिक्किम मिजोरम वगैरह जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये हिमालय वगैरह ऊँची है, हाई अल्टीट्यूड पे है, तो इसलिए यहाँ पे हाईली हाइएस्ट ह्यूमस कंटेन होता है और हाईली फर्टाइल सॉइल ये होता है. ठीक है, अब आ जाता है डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल तो आपको मालूम है. ठीक है, डेजर्ट सॉइल में क्या होता है, जिसके पॉरस कम हो. ठीक है, दिस सॉइल इज सैंडी एंड पॉरस विद अ कोर्स टेक्सचर. इट इज रफ इन टेक्सचर सिंस द फाइन लेयर ऑन टॉप इज ब्लोन अवे बाय विंड. अब क्या होता है, देखो डेजर्ट का आपको मालूम होगा, कभी आपने पिक्चर देखी होगी या कहीं भी देखा होगा कि मिट्टी कैसी होती है. मिट्टी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता, सैंडी होता है, रेत टाइप का होता है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हवा जो होती है ना वो मिट्टी को उड़ा के आसानी से ले जाती है. ठीक है, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर. ठीक है, क्यों, मिट्टी जो हवा है वो मिट्टी को आराम से उड़ा के ले जाती है. ठीक है, ब्लो कर देती है, इसीलिए ज़्यादा जो पानी है वो होल्ड नहीं कर पाती. ओनली थ्रोनी बुशेज एंड कैक्टस कैन ग्रो इन इट. ठीक है, इसलिए जो कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, कांटेदार पेड़ जो होते हैं, ठीक है, कैक्टस वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा इस डेजर्ट सॉइल में उग पाते. क्यों, क्योंकि कैक्टस वगैरह जो होते हैं, ये झाड़ियाँ वगैरह जो होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के प्लांट इस डेजर्ट सॉइल में उगाए जाते हैं. कैन सपोर्ट प्लांट ग्रो इफ इरीगेटेड वेल. इट कैन सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. अच्छा, ये भी होता है अगर इसको अच्छी तरह अगर जुताई इरीगेट किया जाए. ठीक है, सिंचाई किया जाए. इरीगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, पानी डालना. अगर इरीगेट अच्छी तरह किया जाए तो इसमें भी जो प्लांट हम उगा सकते हैं. ठीक है, पर इरीगेशन की ज़रूरत होती है. क्यों, क्योंकि पानी जो है कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो हमें अच्छे से इसकी सिंचाई करनी पड़ती है. इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. ठीक है, अब अगला हमारा लेटराइट सॉइल. ठीक है, दिस सॉइल इज रेडिश ब्राउनिश और येलोइश इन कलर. ठीक है, कौन कौन से रेडिश कलर, ब्राउनिश और येलोइश इन कलर. एज इट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, हमने रेड सॉइल में पढ़ा था, रेड सॉइल में क्या था, आयरन ऑक्साइड. और इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है. इट फाउंड इन रीजन विद हैवी रेनफॉल. और ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. ठीक है, इट इज़ मेनली फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, वेस्टर्न घाट मतलब कि आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया का मैप होता है, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, जो गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो साइड है वो वेस्टर्न घाट कहलाता है. ठीक है, और तमिलनाडु हमारा कौन से रीजन में आता है, आ गया, वेस्टर्न घाट में एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु कहाँ होता है हमारा, अगर आप ईस्टर्न साउथ ईस्ट पार्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको तमिलनाडु जो है स्टेट वो दिखेगा. ओके, इट इज़ नॉट सो फर्टाइल बट सपोर्ट पेस्टुरस एंड श्रब्स फॉरेस्ट एंड कंसिडर्ड गुड फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी कॉफ़ी एंड कोकोनट. ठीक है, ये क्या होता है, ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करता, फर्टाइल ज़्यादा नहीं होता, पर इसमें कौन कौन सी टी हो गया, कॉफ़ी, कोकोनट वगैरह ज़्यादा अच्छी तरह इस यहाँ इस एरिया में उगाया जा सकता है. ठीक है, तो ये हमारे आगे हमने पढ़ लिया कि सिक्स टाइप के जो सॉइल्स हों, कौन से एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारे हमने पढ़ लिए. ठीक है, और कहाँ पाया जाता है और क्या इसमें कंटेन होता है और क्यों ये स्पेशल होता है, हमने पढ़ लिया. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.